नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, आज हम अपने घर का जो बकरी है, घर के काम के वजह से बकरी को बाहर नहीं ले जा पाए, और कल हमने बोला था कि एक बकरी जो है हमारा बच्चा देने वाली बहुत ही जल्द। तो आप लोग यदि शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, उसमें आप देख पाएंगे जो हमारा सिरोही का जो बकरा था सफ़ेद रंग का, उसी का जो है बच्चा और जो सिरोही का क्रॉस मेरे पास बकरी था, वो दोनों का जो है कॉम्बो बोलते हैं, दोनों मिलके जो बच्चा आया है बहुत ही खूबसूरत है और वो भी बकरा हुआ है। तो हम यदि वो अच्छा सही सलामत रहे तो आगे क्या है कि हम उसको अपने जो है बिजाड़ के लिए, ब्रीडर के लिए रखने वाले हैं। और घर का काम काज के चलते आज हम बकरी चराने नहीं जा पाए, जिसके कारण सब देख पा रहे हैं जो पत्ती है हमने रस्सा से किस तरह से बांध दिया है, और बकरी जो है बहुत ही चाव से खा रही, जो डंठल है उसको भी खा ले रही है। और इधर जो हमने इसका फीडर बनाया है उसमें भी डाला हुआ है कुछ कुछ पत्ता, नीचे बकरी जो है खींच खींच के गिरा ही देती है और नुकसान भी हो जाता है। ये देखिए बकरी का एक बच्चा जो है ऊपर में चढ़ के आराम से खा रही है। सभी का पेट लगभग अभी भर चुका है और जिसका इसका नहीं भरा है वो भी खा रहे हैं। तो ये जो पत्ती है अमेरा का पत्ती है, जो मेरे घर में एक पेड़ है, उसको हम जैसे हर साल उसको छटाई कर देते हैं ताकि हम बरसात में कभी किसी दिन यदि दिक्कत हो जाए तो बकरियों को हम घर में उसका पत्ता को यूज कर पाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है हरा हरा है, यही है ये अमेरा का पौधा, इसी का पौधा हमने काटा हुआ है। देखिए जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये यहाँ से हमने काटा हुआ है अभी कुछ देर पहले। और ये हमारा जो है फार्म है, और बकरी जस्ट फार्म के सामने हमने जो घेरा बनाया हुआ उसी के अंदर में बकरी खा रही है। और ये जो बकरी थी, एक बच्चा दिए थे जो बीमार थी, कल हमने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में दिखाया था, वो बच्चा जो है आज डेथ कर गई और हम उसको नहीं बचा पाए। बहुत ही कोशिश किए लेकिन नहीं संभाल पाया। तो 10 में दो चार यानी कि दो चार नहीं बोलेंगे, एक आध दो बच्चा ऐसे हो जाता है, उससे हमें मायूस नहीं होना है। बकरी पालन में सभी जीव जंतु पालने में किसी ना किसी में एक आध नुकसान हो ही जाता है। ये देखिए अपने बच्चे के साथ खा के बैठी हुई है आराम से। चले निकल 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 निकल, देखिए किस तरीके से डर से निकल जाएगी बाहर। चल निकल बाहर, निकलने का टेक्निक देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसे तो नहीं घुस पाती लेकिन कैसे आढ़ा तिरछा होकर घुस ही जाती है। हम यदि उससे और शॉर्ट कर देंगे जगह को तो बकरी यानी कि सिंह के साथ अपना सर को नहीं घुसा पाएगी अंदर, लेकिन वो अपने शरीर को टेढ़ा करने के बाद फिर वो अंदर घुस ही जाती है। ये देखिए अभी खा रही हैं। और जो हम बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, हमारे पास अभी जो है छोटा बच्चा में एक देखिए अंदर में ये क्या है कि अब ये लगभग बड़ा हो जाएगा, ये लगभग 2 महीना का बच्चा है जो बैठा हुआ है, और एक है और एक वो भी कहीं बैठा हुआ है। ये देखिए वो, हाँ ये देखिए छाए में बैठा हुआ है, ये जो है ये वाला। ये दोनों उम्र का फ़र्क है लेकिन लगभग हाइट एक ही ले लिया है दोनों। वो जो सफ़ेद वाला था वो कुछ इससे छोटा है, लगभग 15 दिन का, और ये 15 दिन का बड़ा है। और ये जो बकरी बैठे हुए हैं ये वाला, इसका जो बच्चा है इधर है, तो ये 2 बच्चा हो गया अंदर में। और इसका बच्चा तो खैर अब नहीं रहा, और इसका जो बच्चा है 2 बच्चा, एक सफ़ेद और एक ये लगभग गेरुआ कलर बोलते हैं, जैसे मिट्टी कलर का है, उसको भी दिखाते हैं। और हमें अरे घर में जो कल बच्चा दिया है, ये देखिए ये जो बकरी है, ये बकरी बच्चा दिया, ये देखिए बच्चा का नाम बोलते बोलते दौड़ के आ गया। ये बहुत ही खूबसूरत एक ही बच्चा दिया, हम 2 बच्चे का उम्मीद लगा के बैठे थे कि 2 बच्चा मिलेगा, लेकिन 2 बच्चा नहीं। ये बच्चा जैसे डिलीवरी के समय में बकरी को काफ़ी दिक्कत हो रहा था, बकरी जो है एकदम थक गई थी। हम काफ़ी समय देखे कि नहीं बकरी अपने आप डिलीवरी करेगी और
अच्छे से बच्चा हो जाएगा, लेकिन बच्चा होने में दिक्कत हो रहा था। उसके बाद फिर हमने अपना हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद जैसे डिलीवरी करते हैं वैसे डिलीवरी करवाया, और हम देख पाए कि एक ही बच्चा आया है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। हम देख के बहुत ही खुश हो गए कि हमारे पास जो ब्रीडर हमने सोचा था उस टाइप का ब्रीडर बच्चा जो है आ गया। अब इसको हम सही सलामत कैसे रख सकते हैं देखते हैं, कोशिश करेंगे कि पूरा इसको हम अच्छे तरीके से पालें और बड़ा करें और अपना काम लें इससे। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये है उसका माँ। इसका जो एक साइड का सींग जो है टूट चुका है, और ये बकरी को आप विश्वास नहीं करेंगे। जब जैसे पट थी उस समय हमने 1700 में इस बच्चे को लाया था हमने, तो 1700 में जब हमने लाया था इसको, तो उसी समय लगभग ये भर्ती होने के कगार पे थे। जैसे गांव देहात में जल्दी में भर्ती हो जाता है उसी टाइप का ये भी था। तो मेरे घर में क्या है कि उस समय बड़ा वाला ब्रीडर था, हम जैसे ऐसे तो नहीं क्रॉस कर रहे थे, जैसे बकरी को खोल देते थे तो वैसे बाहर में उसको संभाल पाना थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो उसी में एक बार क्रॉस हो गए, उसमें एक बच्चा दिया, फिर वो बकरा दिया था उस समय भी। तो बकरा देने के बाद उसको हम 2500 में जो है मरण पूजाई में हम उसको बेच दिए। बेचने के बाद फिर से सेकेंड चांस में जो है इसने बच्चा दिया, वो भी सेम इसी का कलर का है। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है दरवाज़ा के पास, ये देखिए लगभग एकदम सेम उसके माँ के कलर का हुआ है ये भी, ये देखिए। और सींग जो है इसके माँ के जैसा नहीं हुआ है, और ये जो काला सफ़ेद जो बच्चा है वो ये देखिए किस तरीके से दूध पी के एकदम घोड़ा बेच के जो बोलते हैं सो रहे हैं वैसे सो रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से इसको जैसे हम छुएंगे तो इसका झिनझिना जाएगा, ये देखिए। और ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोग सो रहे हैं सब। जैसे अभी दोपहर का समय है तो सब दूध वगैरह पी के जो आम पेड़ का छाए हैं घर के एकदम जो बोलते हैं खलिहान में वहीं पर सो रहे हैं। और ये जो हमने सिस्टम बनाया है देखिए बांस का, अभी अभी जैसे सवेरे हमने इसको बनाया है, क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा जैसे अंदर में 2 है और बाहर में 5 है, तो कुल मिला के 7 बच्चा है और एक था वो तो आज मोर्टेलिटी हो गया। तो इसमें हमने ये व्यवस्था बनाई कि छोटा छोटा देखिए बांस का खूंटा हमने लगाया, फिर ये भी लगाया है इधर, और ऊपर में ये सिस्टम बनाया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है बच्चे के लिए जो भी पत्ती वगैरह हम सवेरे सवेरे जैसे वहाँ बांध के खिला रहे हैं वैसे ही एक दो बंडल यहाँ बांध देंगे, और बच्चे लोग को जैसे ही खोल देंगे तो बच्चे क्या है कि आराम से खा सकते हैं, बड़ी बकरी जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी और वो आराम से पेट भर सकती है। मैंने आज सवेरे वैसे ही किया, तो उसी लिए जैसे ये सब बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत खाना सीख गए हैं ये दोनों, और इसके साथ साथ जो अंदर में दिखाया दोनों वो खाती है, और ये जो अभी इन लोग का देख देख के ये भी जल्दी में सीख जाएंगी। सीख जाने के बाद एक ही हमारा जो सफ़ेद बकरा था सिरोही का उसका सेम कलर आया है, लेकिन ये जो है बकरी है ये, इसको हम क्या है कि इसका माँ का दूध थोड़ा कम है तो गाय का दूध भी पिलाते हैं। हम जब भी इसके पास आते हैं सोचते हैं कि ये मेरे को दूध पिलाने के लिए आया है। ये देखिए अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, हम जहाँ जहाँ जाएँगे उसके पीछे। और ये देखिए इसका माँ भी जो है ये भी सिरोही का कहीं ना कहीं क्रॉस था। ये देखिए इसके जो गले में है, ये देखिए इसके नीचे जो है लटकन बोलते हैं, इसके गले में जो है लटकन हुआ है। तो कहने में कहते हैं लोग कि कभी ना कभी इसका माँ जो है माँ या फिर इसके जो पूर्वज थे जो भी वो सिरोही से या फिर जैसे क्रॉस होने के बाद ये आ जाता है। लटकन जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत है, इसके माँ के गले में भी सेम है। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से विनती करता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबका साथ ऐसे ही मिलता रहे, और दोस्तों हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग के आशीर्वाद से आज लगभग 2500 सब्सक्राइबर होने जा रहा है, और आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, ये आप लोग का आशीर्वाद, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। और अपना कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो मैं कवर करके दिखा पाऊँ।
दोस्तों। और एक बात है कि जैसे गांव घर में लोग समझ नहीं पाते हैं कि वीडियो बनाने से क्या होता है, क्या उन लोग को बहुत समझाना पड़ता है कि ऐसे हम वीडियो बनाएंगे, ऐसे आप लोगों को देखेंगे, फलाना फलाना सभी चीज़ डिटेल में बताने के बाद उन लोग को राज़ी करना पड़ता है। राज़ी करने के बाद जो समझ जाते हैं वो तो फटाक से रेडी हो जाते हैं और वो वीडियो बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जो नहीं समझते उनको बैठा के बोलना पड़ता है, उनको मोबाइल से दिखाना पड़ता है, देखिए ऐसा ऐसा होता है, ऐसा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो आसान भी है वीडियो बनाना और काफ़ी मुश्किल भी है। तो जैसे भी हम उसको कर ले रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।